वेलकम SBI PO के लास्ट 2 वीक जो भी बचे हैं उसके लिए बनाई जाने वाली इस स्ट्रेटेजी एपिसोड क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैंने जब प्री एग्जाम हो रहा था, एक चरण हो भी गया था, उस समय मेन के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन उस समय आपका ध्यान पूरी तरह से प्री पर था। कल रिजल्ट आउट हुए, बड़ी संख्या में आप सभी पास हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि मेरा जो डायरेक्शन है, स्ट्रेटजी है, पढ़ाने का जो तरीका है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जा रहा है। गांव में रहने वाले लोग भी पास हुए हैं ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने जो कुछ भी मैसेजेस भेजे हैं उससे। तो सबसे पहले मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं मेन एग्जाम के लिए। और मेन एग्जाम के लिए आज मैं जो स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि सक्सेस तो तय है, इस पर मैं बात करूंगा। सक्सेस ना मिले ये हो नहीं सकता है, मेरे स्टूडेंट को हो नहीं सकता है, मैं बात करता हूं। उसके पहले एक दो बात और, ये एग्जाम है, सारी तैयारी आप कर लेते हैं, एग्जाम में कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ और बातें हो जाती हैं और किसी कारण से कुछ मार्क्स से मिस हो जाता है। तो जो लोग सफल नहीं हो पाए, मैं उन्हें कहता हूं जिंदगी तो शुरू हुई है, अरे परेशान क्यों होते हैं। आप इसे ऐसे लीजिए कि आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में और सक्सेस में एक बड़ा गैप था। अगर 1 मार्क से 2 मार्क्स से मिस कर गए तो ये मत सोचिए, पास करने के लिए 5, 6, 7 मार्क्स ज्यादा चाहिए थे। इसलिए सिर्फ मिसिंग वाला पॉइंट मत देखिए, आप सोचिए कि आपको एक फिर से अवसर मिला है ठीक से तैयारी करने का, एक मार्जिन के साथ पास होइए, तब तो मेन एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस आगे रहेगा, तब तो ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी में दम है। इसलिए इसे एक अवसर के रूप में लीजिए कि इस प्री एग्जाम ने आपको दिखाया कि आपका प्रिपरेशन और आपका सक्सेस दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है, इस गैप को भरना है। देखिए इस मामले में व्यक्ति अकेला होता है, सक्सेस भी आपका, फेल्यूर भी आपका, डिसीजन भी आपका, सब कुछ आपको करना है। इसलिए आप उठ खड़े होइए और फिर से नए सिरे से तैयार होइए। पूरे साल तो एग्जाम्स होने हैं, आपको तो 1 एग्जाम और 1 रिजल्ट चाहिए, इसलिए थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबों के साथ हूं और मैं तो सक्सेस दिला के रहूंगा, ठीक है। एक और बात कि जब भी मैं पोस्ट करता हूं तो अलग अलग एग्जाम के जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा परेशान होते हैं, कोई बोलते हैं SSC CGL वाला कर दीजिए, स्पेशल सीरीज चला दीजिए। ठीक है, एग्जाम को ध्यान में रख करके मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि मेरा 450 से ज्यादा वीडियोस का ये बास्केट है, ये किसी भी एग्जाम के लिए एसेट है, एसेट। किसी एग्जाम के लिए आप जब कहते हैं कि आप इसके लिए पोस्ट कीजिए, ठीक है, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं और जितना संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन जो अपलोडेड पोस्ट हैं वो बहुत दूर तक आपको सक्सेस दिलाने में सक्षम है। इसलिए प्लीज उन पर कमांड हासिल कीजिए। एक बार देखने के बाद दूसरी बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, खुद बनाइए, आपसे होता है कि नहीं, सही तरीके से होता है कि नहीं, लेस टाइम में होता है कि नहीं, और उसके बाद कुछ दिक्कत हो तो फिर ऑन कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं सीखिएगा। ये वीडियो क्लास, ये रियल क्लास है, आपको फील होता होगा कि मैं सामने आकर के आपको पढ़ा रहा हूं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं जब से मैंने ये शुरू किया मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से रिस्पॉन्स हो सकता है और इस तरह से मैं इस लक्ष्य में कामयाब हो सकता हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिवाय ये ऑनलाइन वीडियो के, मुझे दूसरे काम में भी मन नहीं लगता, मैं इसी काम में लगा रहता हूं, मुझे लगता है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो आप जो हमारा 450 से ज्यादा का वीडियो है, वीडियो का जो नंबर है, आप उन्हें देखें, आपको सक्सेस तो मिलना है। अब आइए हमारे उन स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत जो SBI PO प्री में क्वालिफाई किए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप समझ लें,
मैंने पहले एनालाइज किया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, और आज मैंने सुबह सुबह फिर एनालाइज किया। सक्सेस न मिले इसका कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। आपको यह जानकर खुशी होगी, मेरा स्टूडेंट SBI PU का मेन क्वालिफाई ना कर सके ये हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे रास्ते तलाशे लेकिन नहीं दिखते कि आपको सक्सेस न मिले और कोई आपके इस विजय रथ को रोक ले। क्यों? इतने दिनों की जो आपकी स्टडी है वो दो चार फॉर्मूले के आधार पर नहीं है, वो बेसिक से है। उसने प्री में आपको यहां तक पहुंचाया है और आप प्री मेरे तरीके से पास होकर के आए हैं, यानी आप बहुत कुछ जानते हैं। यहां के बाद आपको 2 वीक मिला है। 4 जून 2017 को आपका SBI PU मेन एग्जाम है और उसके पहले आज 17 मई है। ये जो आपको 14 डेज इस मंथ में और 3 डेज मान लीजिए उस मंथ में, करीब करीब 2 वीक ही मानिए, एक दो दिन छोड़े, 2 वीक रफली मानिए। ये 2 वीक देखने सुनने में बहुत कम लगते हैं और नेचुरली कोई नए सिरे से शुरू करे तो क्या कर सकता है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप यूं ही प्री पास करके नहीं आए हैं, आप पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, आपने 400 से ज्यादा वीडियोस मेरे देखे हैं, आपको तो पास करने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बताता हूं, थोड़ा एनालाइज करता हूं लास्ट ईयर पेपर का। लास्ट ईयर पेपर का एनालाइज करने के अलावा जो इसमें और चीजें हैं, ये जो मेन का एग्जाम है इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में है, सबसे ज्यादा टाइम भी मैथमेटिक्स में है। 35 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स, इतना टाइम किसी भी नहीं है, और 35 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, इतना मार्क्स भी किसी में नहीं है, इसीलिए मैं खुश हूं। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो सब है, सब करना है, लेकिन 40 मार्क्स ही है ना। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स है और 60 मिनट्स का टाइम ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कंप्यूटर भी है, लेकिन मैथमेटिक्स में जो फायदा है वो कहीं और नहीं है। और मैथमेटिक्स में आपने लीड ले लिया तो कौन रोक सकता है आपको। लास्ट ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं तो मुझे दिखता है कि मेरा अभी तक 82-83 DI अपलोड हो चुका है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। क्वेश्चंस जो आएंगे, DI तो प्री में भी आए थे, मेन में थोड़ा और डेप्थ में नॉलेज खोजिएगा, पर क्या डेप्थ में, उठपटांग क्वेश्चन थोड़े पूछा जाता है। लास्ट ईयर देखिए 4 सेट्स आए डाटा इंटरप्रिटेशन के मेन एग्जाम में, SBI PU मेन एग्जाम में। 5 क्वेश्चन का 1 DI का सेट था जिसमें डबल लाइन डायग्राम था। दूसरा सेट था जिसमें 2π चार्ट का वो DI था। थर्ड था वो मिसिंग DI था, सभी 5-5 क्वेश्चन करके। ये 5-5 क्वेश्चन करके ये सेट थे और फोर्थ बार डायग्राम से थे, सब डिवाइडेड परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इस तरह से 5 × 4 = 20 थे। जितने भी मेरे डबल लाइन डायग्राम हैं, DIs हैं, जितने डबल पाई डबल फिगर वाले जितने भी हैं, चाहे डबल पाई हो, पाई टेबल हो, इटीसी, सब देख जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन जाने का सवाल नहीं उठता। बाकी तो मैथमेटिकल स्किल है, डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने का स्किल है, वो तो आप जानते हैं, वो जानते नहीं तो प्री क्वालिफाई कैसे करते। और बताता हूं, ये जो 20 DI के क्वेश्चंस हैं, टोटल टाइम आपके पास 45 मिनट्स हैं 35 क्वेश्चंस के लिए। इसमें 20 देखिए, इन 45 मिनट्स में 25 मिनट्स आप DI पर दीजिए। DI के 4 सेक्शंस हैं, 5-5 करके 4, इनमें कुल मिलाकर के आप 25 मिनट्स दें। जनरली 1 क्वेश्चन पर 1 मिनट देने से 20 क्वेश्चन पर 20 मिनट्स हुआ, और आपको मैं 25 मिनट्स देने के लिए कह रहा हूं, यानी 5 मिनट्स आपके पास है जो स्पेशल केसेस के लिए। और इसके अलावा ये जो 20 क्वेश्चंस DI के हैं, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आप मान करके चलिए कि मुझे छोड़ देना है, नहीं बनाना है,
इसमें कहीं ना कहीं वन या टू क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज्यादा टाइम ले रहे होंगे। उन वन या टू क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे तो डीआई में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो वन या टू क्वेश्चन को छोड़ देने का माइंड सेट लेकर के चलिए कि हमें 20 डीआई में से 18 में अटेम्प्ट लेना है, 17-18 में लेना है और लगभग सब सही होने चाहिए। आप जानते हैं आप कहां रहेंगे। इसके बाद डाटा सफिशियंसी चैप्टर आधारित है, चैप्टर आधारित है, चैप्टर पर आपका कमांड है, डाटा सफिशियंसी बनेगा। फिर भी डाटा सफिशियंसी के जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं वो आप देखें और मैं आगे भी अपलोड करूंगा, तो इसमें भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। कैसलेट्स ये चैप्टर बेस्ड है, जैसे डाटा सफिशियंसी भी चैप्टर बेस्ड है, ये भी चैप्टर बेस्ड है। इसलिए चैप्टर्स में सेलेक्टेड चैप्टर्स पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं बताता हूं किन पर। इसके बाद एक नया सेक्शन उसमें जुड़ा है जो मिसलेनियस इनइक्वालिटी का है, जिसकी सीरीज मैंने कल ही शुरू की और पहला दिया, इसके पहले लास्ट ईयर जो आया था वो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन अभी जो मैंने शुरू किया उसमें से फर्स्ट कल मैंने उसे अपलोड किया था, तो उसकी भी सीरीज मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मिसलेनियस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी फॉर्म में मिसलेनियस क्वेश्चन को दिया गया है। अब आप सुनिए, एग्जाम के लिए क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं करना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स सेक्शन में जितना बेसिक कैलकुलेशन आप जानते हैं काफी है, जितना सिंप्लीफिकेशन जानते हैं काफी है, जितना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में जानते हैं काफी है। डोंट टच दीज थ्री चैप्टर्स, इनको मत पढ़िए। अगले टू वीक में समय का पूरा उपयोग करना है, उटपटान क्वेश्चंस को नहीं देखना है, ये थ्री चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको डीआई पर पूरा कंसंट्रेट कर जाना है। टू वीक में मेरे एक एक डीआई को 10-10 बार देखिए, 10-10 बार। अरे आप वहां रहेंगे जहां सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। 82 डीआई और इस बीच और मैं 10-15 तो कर ही दूंगा, इन सारे 90 डीआई हो जाएंगे, 90 से ज्यादा। इन्हें आप 10-10 बार देखें और देखें नहीं, पॉज करके सॉल्व करें फिर देखें, पॉज करके सॉल्व करें फिर देखें, आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। चैप्टर्स के ब्लॉक्स हैं जिन पर आप कंसंट्रेट कीजिए। लास्ट ईयर कैसलेट में जनरल कैसलेट के टू क्वेश्चंस के अलावा प्रोबेबिलिटी पर एक कैसलेट था जिसमें टू क्वेश्चंस थे और टाइम एंड वर्क पर था। टाइम एंड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, सफिशियंसी में भी आता है। आप स्पेशली किन चैप्टर पर कंसंट्रेट करेंगे सुनिए, बाकी सब आपको आता है, प्री क्वालिफाई किए तो आता ही। अभी मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन तीन सेक्शन पर कंसंट्रेट कर जाइए। ये एक सेक्शन है जिससे आने की पूरी संभावना है। दूसरा सेक्शन टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न, ये दोनों चैप्टर का एक ग्रुप है, इस पर कंसंट्रेट कीजिए, इसके सारे वीडियोज देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर बनाइए। थर्ड सेक्शन टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, आना ही आना है, चाहे वो सफिशियंसी के रूप में हो या फिर आप समझ लीजिए मिसलेनियस इनइक्वालिटी के रूप में हो या फिर कैसलेट के रूप में हो, ये थ्री सेक्शंस। इसके अलावा एलिगेशन तो कहीं भी होता है, पार्टनरशिप कहीं भी आ सकता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंसंट्रेट कीजिए, वो भी कहीं भी आ सकता है। जनरल परसेंटेज आपको बहुत आता है, प्रॉफिट एंड लॉस इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कैसलेट में भी रहेगा ही रहेगा। तो कुछ चैप्टर्स का जो ये ग्रुप है, समूह है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइमर वर्क, पाइथन सिस्टम एंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इतने चैप्टर पर जब आप कंसंट्रेट कर जाएंगे, खूब बनाएंगे, और स्पेशली जो फॉर्मेट्स हैं, डीआई का फॉर्मेट, कैसलेट का फॉर्मेट, मिसलेनियस इनइक्वालिटी का फॉर्मेट, डाटा सफिशियंसी का फॉर्मेट, फॉर्मेट की अपनी विशेषता होती है, अपने तरह से बनता है, इन फॉर्मेट्स में, इन फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका कमांड हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट को इन दो वीक में अगर वो कंसंट्रेट कर जाते हैं दिन रात एक करके, तो सफल होना ही होना है। आपको आपके मेन एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।